लाइव देर दिस इज फर्स्ट एफ बी लाइव ट्रायर वन वैसा थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बना लेंगे डिस्टेंस अच्छा तो सुपेरिटी कॉपी ले आइए फिर आप सुपेरिटी कॉपी कुछ लिखवा देते हैं जो लोग भी देख रहे हैं अभी तो कोई भी नहीं आए हैं ना वन परसेंट एज कम

हैज टू ऑलवेज से केशव अग्रवाल फ्रॉम पीली इतनी करोड़ बार मैंने कह दी होगी ना ये बात अपनी जिंदगी में तो सुपीरिटी कॉपी में विषय आपको यह लिखना है कि प्रेफरेंसेस ऑफ हितेश शाक्य शाक्य प्रेफरेंसेस हितेश की प्रेफरेंसेस क्या है जिंदगी में प्रायोरिटीज क्या है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है ये लिखने की वजह से बेसिकली आपको लाइफ में क्लैरिटी आएगी और आप स्वयं के लिए भी डिफाइन करेंगे व्हाट आर योर प्रायोरिटीज दिस इज एन एक्सरसाइज दिस इज अ चक्र एक्सरसाइज दिस इज एन एक्सरसाइज विच हेल्प्स यू कनेक्ट विद द नेचर विद नेचर इन अर वॉइस आई एम ए हितेश शाक्य की कुछ पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं और कुछ प्रेफरेंसेस इन रिलेशनशिप विद अदर पीपल है क्या तो मैं दोनों मिक्स तरीके से बात करूंगा बिकॉज मैं यहां पर कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूं मैं तो अपने दिल की बात कह रहा हूं बट दैट इवेंचुअली बिकम्स अ लेक्चर वेन एवर आई टॉक माई हार्ट इट बिकम्स अ लेक्चर बट दोज लेक्चर्स आर नॉट इन एर्गेनाइज फॉर्म दे आर नॉट इन एन ऑर्गनाइज फॉर्म बोलिए सुबाद को बट दे आर नॉट इन एन ऑर्गनाइज फॉर्म बोलिए देनाइज फॉर्म वेरी नाइस ईवा मिश्रा फ्रॉम दिल्ली वॉचिंग किरण रोजाड़िया जी फ्रॉम मुंबई वॉचिंग किरण रोजाड़िया जी इज स्टूडेंट ऑफ स्पोकन संस्कृत बाय हितेश शाक्य एक हर ग्रामा हर अस्ति तस्से ग्रामा से समीपे एक हर मार्ग हर अस्ति तस्सीन मार्गे एक हर कृष्ण काया चलाकंडा हर अस्ति <laughs> तस्सीन मारे बहुवा जना गवनम करवंति आगवनम करवंति सर्वे जना बहुवा पाद गाता भवति परंतु सर्वे जना स्वस्व मारे गच्छन्ति <laughs> किरण रोजाड़िया जी सो दैट वाज जस्ट पीस ऑफ मोटिवेशन टू यू किरण जी तो हितेशा के प्रेफरेंसेस क्या है हितेशाक्य लिखिए हितेशाक्य ऑलवेज वॉन्ट्स टू बी सराउंडेड बाय इवॉल्विंग पीपल ऑलवेज वॉन्ट्स टू बी सराउंडेड बाय इवॉल्विंग पीपल इन दाइफ हितेशा ऑलवेज वॉन्ट्स टू गेट सराउंडेड इवॉल्विंग पीपल अभिषेक चतुर्वेदी जी इज वॉचिंग नमस्ते अभिषेक चतुर्वेदी जी मस्त आइडिया है नहीं ये बहुत सेक्सी क्वालिटी में आ रहा है भाई साहब पूरा एंगल मेंटेन करके बढ़िया से रिकॉर्डिंग वगैरह का नाटक ही खत्म है ना सीधे लाइव और ये इधर ही नेटवर्किंग ठीक है और इधर ही सारी काम की बात है इधर ही सुपीरियरिटी कॉपी इधर ही लेक्चर तो हितेश ऑलवेज वॉन्ट्स टू बी सराउंडेड बाय इवोलविंग पीपल ये एक पहली बात लिख लिया आपने दूसरी बात लिखिए हितेश शाक्य डज नॉट बिलीव इन हितेश शाक्य डज नॉट बिलीव इन फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स देर आर ओर आर ऑलरेडी सो मेनी प्रॉब्लम्स क्या लिखा है There are already so many problems in the world. To be, to be sold. To be sold. And so many great experiences to have that we do not have time for. ब्रदरहुड इन फ्रेंडशिप्स फ्रेंडशिप हितेशाखे की प्राथमिकता क्या है तो हिते शाख्य की कुछ व्यक्तिगत प्राथमिकताएं कुछ समाज से संबंधित प्राथमिकताएं हैं तो प्राथमिकताएं है आप जाने और उनसे कुछ सीख लें और उस आधार पर और अपने अनुभव अपने दृष्टिकोण अपने मौलिक चिंतन के आधार पर आप अपनी प्राथमिकता बनाए व्यक्तिगत प्राथमिकता बनाएं और समाज के प्रति अपनी प्राथमिकता बनाएं उससे क्लैरिटी मिलती है आपके माइंड को क्लैरिटी मिलती है यूनिवर्स को क्लैरिटी मिलती है आपके साथ मिलने जुड़ने वाले लोगों को क्लैरिटी मिलती है जिससे कि जो डिवाइन का फ्लो है जो परमात्मा का प्रकाश है आप हिंदी में बोल रहे थे इसलिए मैंने हिंदी में बोल दिया बट आई वॉन्टेड टू कॉल इट डिवाइन फ्लो उसको रेसिस्टेंस फ्री पाथ मिलता है तो सब लोग फिर सुपीरियर बनते हैं ऑल दो प्रॉब्लम्स उन समस्याओं को दूर करने के लिए उन समस्याओं का समाधान करने के लिए और उन महान अनुभवों को प्राप्त करने के लिए अब आगे बात बताई जाएगी इन ऑर्डर टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स एंड हैव दो ग्रेट एक्सपीरियंसेस वन हैज टू वन हैज टू कॉन्स्टेंटली वोल उसे सदैव उन्नति के मार्ग पर चलते रहना होगा हैज टू कॉन्स्टेंटली इवोल्व कॉन्स्टेंटली सतत रूप से कॉन्स्टेंटली इवोल्व उन्नति कर फुल स्टॉक मार्केट नेक्स्ट सेंटेंस में लिखिए एंड फॉर दैट वन हैज टू कॉन्स्टेंटली बी इन एसोसिएशन ऑफ इवोल्विंग पीपल एंड फॉर दैट वन हैज टू कॉन्स्टेंटली बी इन एसोसिएशन ऑफ evolving पीपल के लिए आपको ऐसे लोगों की संगति में संगठन में रहना होगा जो स्वयं प्रगतिशील और उन्नतिवान है कोशिश में रहा तो आपको क्या है कि हमेशा या तो अपने ऊपर वाले को देखो कि मैं इसके साथ क्या सीखकर और ऊपर जा सकता हूं या फिर कोई नीचे वाला है इसको क्या सिखाकर मतलब मैं इसको ऊपर बुला सकता हूं यह कॉन्स्टेंटली चलते रहना चाहिए और जिस संगति में ऐसा नहीं हो रहा उसको आपको त्याग देना चाहिए तो आपको सदैव उन्नति करते रहना चाहिए ये नेचर का फ्लो है मतलब प्रकृति का मार्ग अगर आप उन्नति नहीं कर रहे जीवन में तो आप प्रकृति से बिड़ रहे हैं कितना वीर आदमी है इतनी बड़ी प्रकृति से बिड़ रहा है अल हमारे अंदर तो उतनी ऊर्जा ही नहीं है नहीं ना उतना साहस है कि हम प्रकृति से भिड़ जाए हम तो प्रकृति के साथ चलने वाले आदमी है भाई ठीक है निसर्ग दत्ता महाराज का आई मेडिटेशन बीकेम के कुछ ये फालतू बातें करते रहते यार यहाँ पर मैं प्राथमिकताओं के बारे में बात कर हूं सुपरिटी कॉपी खोलो तुम सबके सब सुपरिटी सब कॉपी खोलो और लिख लो जो भी मैं बोलूं बस तो वो हो जाएगा कल्याण उसमें आपको मिल जाएगी मुक्ति ठीक <laughs> है पता नहीं क्या क्या घुसाते रहते हो कभी किसी को नौकरी नहीं मिल रही कोई निसर्गत् महाराज ने जो ज्ञान दिया उसके ऊपर मैं कुछ ज्ञान दूं अब हाँ वो मैं दे दूंगा बट अभी एक बात चल रही है यार बात करने की तमीज होनी चाहिए हाँ बात करने की तमीज़ भी एक सुपीरिटी की शिक्षा है देखो सुनो इसको लिखना चाहो तो लिख लो नहीं तो बाद में लिख लेना अपने हिसाब से बस सुन लो बात करने की तमीज भी एक सुपीरियरिटी की शिक्षा है तो हमको समाज में सिखाया जाता है कि बात करने की तमीज़ क्या होती है कि सबको आप आप करके बोलो सबको रेस्पेक्ट वगैरह दो गाली वगैरह का इस्तेमाल मत करो तेज आवाज में मत बोलो किसी उखड़े उखड़े आवाज उखड़ में मत बोलो प्यार से बोलो प्रेम से बोलो विनम्र हो के बोलो ऐसा बोलो ये बात करने की तमीज़ सिखाई जाती है जबकि मेरे हिसाब से ही सेकेंडरी चीज़ है प्राथमिक चीज कुछ और है प्राइमरी कुछ और है आप पूरी बात करने की जो तमीज है उसमें अंदर जो बात है उसकी महत्ता क्या वहां पर जाओ तो आपको क्लैरिटी स्वता मिल जाएगी बात करने की तमीज का मतलब है कि बात कैसे की जाती है बात का महत्व क्या तो बात का महत्व ये कि आपको मेरे को कोई बात बतानी है कोई सूचना देनी है तो आपने मुझे बोला मैंने अपने कान को खोला आपने सूचना मुझे दे दी खत्म ओवर फिनिश मानो या ना मानो आपको यदि मुझे कुछ सूचना देनी तो आपने दी बात ख़त्म उसके प्रत्युत्तर में वो सूचना क्या क्वेश्चन मार्क है या फिर आपने बता दिया मैंने ओके okay कर दिया या फिर कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया आपका काम चल गया इस प्रकार से एक रेस्पॉन्स आएगा नो रेस्पॉन्स आएगा या शॉर्ट रेस्पॉन्स आएगा लॉन्ग रेस्पॉन्स आ गया पूरा का पूरा, पूरा एक व्याख्यान आ जाएगा वो व्याख्यान आ जाएगा काम खत्म अब चलो तुम अपने जाके कंबल तान के सो जाओ मैं अपना कंबल तान के सो जाऊँगा क्या इतनी सी बात है क्योंकि जब जब आपने बात की बात करने में एक ऊर्जा का व्यय होता है इसीलिए मौन के ऊपर काफी बात की गई है क्या समझे तो वैसा है तो बात करने की जो तमीज सबसे पहली चीज है ना कि आपने जो भी शब्द बोला है आपको उसके लिए वो एक सम्मान होना चाहिए कि मैंने सामने वाले से बात कही है तो बात ऐसा नहीं कि कि भाई में चैट करे जा रहा हूँ किसी के साथ तो वहाँ पर वो वेस्ट हो रही है वो बात बात मेरी मेरी कहीं भी बात आपको किसी को कुछ कहना है तो इज्जत से जब सामने वाला सुनना चाहे तभी आप उसको कहो मतलब ये बात वहीं चल रही है भाईगिरी में भाईगिरी में क्या अक्चूतिया चलती रहती कॉन्स्टेंट उसका कुछ उद्देश्य होता नहीं है तो वैसा है तो ये बात करने की तमीज़ है बात करने की तमीज़ का जो पहला नियम है वो ये दूसरा नियम पालन करो कि नहीं करो कोई मतलब ही नहीं उसमें क्या मतलब है तो गाली दे दी उसमें कौन सा पार्ट टूट गया लोग गाली के ऊपर ही मतलब सेंटी हो जाते हैं प्राइमरी तो कंसीडर ही नहीं कर रहे भला पहली बात तो देखो बात का उद्देश्य है क्या है बात का उद्देश्य ये है कि ये, ये ज्ञान देना बेसिकली और लाइफ में सारा ज्ञान का ही काम है या तो आप किसी को ज्ञान दे दो या आप किसी से ज्ञान ले लो वही वाली बात मैंने कही है उन्नतिवान लोगों के संगत में रहना तो जैसे जो आपको फार्मिंग का ज्ञान देना है किसी को फार्मिंग का ज्ञान नहीं है किसी को मैथ्स का ज्ञान नहीं है तो बस वो उस क्षेत्र में उन्नतिवान है तो आप उसको उन्नति उसकी उन्नति में सहयोगी बन जाओ उसको मैथ्स जा। पढ़ा दो उसको गन्ने की खेती के तो बारे में तो बात खत्म हो गई अब यही है आपकी ज़िंदगी जो दोस्ती वोस्ती नहीं है वही है उसी में वही आपका रिश्ता उसका नाम मत दो उसी में आप देख लो आदर प्रेम दोस्ती यारी जो भी उसी में हो जाएगी अब उसको आप नाम मत दो उसमें बस क्या अपनी अपनी सीमा तय कर लो बस तो आराध्य अपनी सीमा तय कर लेगा अपनी अपनी सीमा के हिसाब से वही रिश्ता ठीक आप है तो तो वो बात ये उससे भी कनेक्ट होती है जिसका मतलब मैंने एक वीडियो बनाने के लिए आपको कहा था कि दोस्तों को सुपीरियर मत बनाओ सुपीरियर्स को दोस्त बनाओ और उनके साथ कुछ पूछना है आपको या कुछ बात कहनी है तो कहो या पूछो निकलो शांत अपने शांत में अपने आनंद में अपनी दुनिया में अपनी दुनिया बनाओ क्या ये ये भाई साहब कुछ बोल रहे थे कौन थे जीएफ वाले कुछ जीएफ ये वाली बात कर रहे थे यार ये जो भी ऐसा प्रश्न आता जीएफ अबे यार वो तुम वो तुम देख लो वो वो तुम देख लो उसमें कोई मेरे को नहीं देखना है मेरे को जो देखना है और जो तुमको दिखाना चाहिए मुझे वो ये कि तुम्हारी जो उन्नति का मार्ग है वो क्या है कि नहीं है तुम कहां उन्नति कर रहे हो तुमने कहा उन्नति करी किसके जीवन में उन्नति करने में आप सहयोगी बने ये बताओ मेरे को और वो दुनिया बताओ जिसमें ये बात करके आप वापिस लौट जाते हो वो इंट्रैक्शन करके वो सामने वाले व्यक्ति का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है आपके जीवन में सबसे ज्यादा बड़ा महत्व वो आपके जीवन का है <laughs> आपकी दुनिया का है आपके आनंद का है, आपके एक्सप्रेशन का <laughs> वही आपका असली आनंद है बाकी एवरीथिंग इज सेकेंडरी तो जीएफ जी एफ क्या वो सारा यार मतलब कौन है यार मैं उसको जानता भी नहीं हूं यार मतलब इतने करीब भी नहीं आया हूं मेरे जो आदमी ने बात पूछी थी किसने पूछी थी यार रॉय ये रवि रॉय कौन है ये कौन है ये रवि रोहा ये मेरे तक करीब भी नहीं आया है मतलब इसके अंदर का जो नाद है ना परमात्मा को वो इतना तेज है ही नहीं कि उसकी आवाज मेरे तक पहुंचे उसके अंदर की जो परमात्मा की चमक है वो तो चमकदार है ही नहीं कि मेरे तक उसकी चमक पहुंचे ना उसकी जो खुशबू है वो इतनी ज्यादा इंटेंस है कि मुझ तक उसी गंध पहुंचे सुगंध पहुंचे भले कौन है ये रवि रो है ये मतलब ये फेसबुक पर क्यों है यदि ये फेसबुक पर है तो सितारा क्यों नहीं है और यदि सितारे वाली दुनिया से दूर रहना तो फिर तो अपनी आप तरह कुकुम तो तू फेसबुक पर क्यों है ठीक है और बात फेसबुक की नहीं है मतलब देर से इतने दूर क्यों है आए तो नेवर हर्ड रवि रॉय लव औरलक जी कह रहे हैं आरटीआर पार्टी का काम कैसे चल रहा है यह भी एक सुपीरियरिटी की शिक्षा है जब भी आपको जल पीना है तो जल आपको इस प्रकार से पीना होता है जिस प्रकार से मैंने अभी प्रदर्शित किया मतलब इसको पानी को दोबारा मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूं अब शेप आप कैसे भी बना लीजिए मैं तो उसके टाइम का और उसके अंदर मूवमेंट का उसके बात बारे, उसके बारे में बात कर रहा हूं शेप आप अपने मुंह का कैसा भी बना लीजिए <laughs> जैसे बच्चे करते हैं बेसिकली वैसा तो उसके बहुत सारे फायदे हैं कोई दो फायदे मुख्य आप बताइए मुझे दो ही फायदे हैं बेसिकली दो ही मुख्य फायदे वो आप बताएं क्या है ये हो गई एक और सुपीरियरिटी की शिक्षा और बार बोलते से, रोटी को बैलेंस होना जरूरी होता है हाँ बिल्कुल सही बात कही इन्होंने तो पानी को पीते तो इनके लिए पाँच रुपए का इनाम सुपेरा सोसाइटी के तरफ से पानी को जब पीते है ना यार आइडिया है ऐसे नाम रख चाहिए पाँच पाँच रुपए के ना बहुत बढ़िया वेरी नाइस अरे यार ये आइडिया तो यार आर टी आर लगा ही रहते मेरे को अब याद आया मैं तो दस दस पैसे का इनाम रख दूंगा दस पैसे हाँ हा, दूसरा बताइए दूसरा है तो दूसरा इसका आध्यात्मिक है आप इस चीज के प्रति सजग हो जाते हैं, जल पीने के प्रति सजग हो जाते हैं तो तो आपका प्रेजेंस बढ़ता है और जल जो कि आपका शरीर ही है एक बड़ी मात्रा में उसके प्रति मतलब आपका शरीर ही तो आपकी चेतना है उस पूरे शरीर के अंदर चेतना वास करती है तो उसके अंदर वास करने वाली चेतना के प्रति आप सजग हो जाते हैं माई ब्रदर इज रूड माय पेरेंट्स वांटेड टू बी टू बी हिम वांटेड हिम टू बी अ डॉक्टर बट ही ट्राइड बिजनेस एंड फेल्ड एंड नाउ स्टेइंग इन होम सेइंग बैड वर्ड्स टू फैमिली बट ही इज गुड टू हिज फ्रेंड्स ओके वॉन्टेड हिम टू बी डॉक्टर बट ही ट्राइड बिजनेस एंड फील्ड एंड नाउ स्टेइंग इन होम एंड बैड वर्ड्स टू फैमिली ओके ओके तो उसमें तो आप उसको एकदम स्पष्ट संवाद कर सकते हैं भाई क्या है वॉट इज योर स्टैंड तो आप उसे प्यार से भी पूछ सकते हैं इफ ही इफ ही ये इफ ही येल्स बैक यदि वो झगड़ा करता है तो आप उसको करने दीजिए मतलब कभी तो शांत होगा कभी तो अपने दिल की पूरी बात कहेगा <laughs> मेरे केस में यही हुआ बट इन माई फैमिली नो बड़ी टू कैन इनिशिएटिव टू लेट मी स्पीक सो आई कंटिन्यू टू स्पीक ऑन इंटरनेट पीपल पीपल लाइक यू केम देअर एंड हेर वी आर तो आप उसको बोलो कि वो बताए क्या है उसका स्टैंड क्या है वट इज यू वॉन्ट वट वट इज यू थॉट अबाउट इट अबाउट इज सिचुएशन का टूर लगाइए कभी सिरसा वॉइस एंड लिप्सिंग आर नॉट मैचिंग सो देन स्टॉप लुकिंग एट माई लिप्स एंड जस्ट लिसन टू माई वॉइस सिंपल दे विल नॉट बी एनी सिंकिंग प्रॉब्लम दे वोन्ट बी एनी मिसमैच। ट्राई टू मैच मा वॉइस विद योर इनर बींग एंड यू विल सी वॉट एवर आई एम सींग इज वॉट एक्चुअली योर इनर बींग ऑलवेज सेज हैज ऑलवेज है चलिए एक गाने की लाइन अभ्यास करते हैं वन थिंग तुरंत बोलिए वन थिंग आई डोंट नो वाई इट डजेंट इवन मैटर

शॉट एट आउट प्रोबेबिली सो वी गो एंड चेक दट प्रोबेबिलिटी आई यू गेटिंग मैं आपको बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं क्या चल है क्या चल है? मैं हाँ तो ना बोल दो ना फिर बताऊंगा क्या बात चल रही है यह भी एक शिक्षा है सुपीरिटी की शिक्षा ईमानदारी की बात हमने नहीं सुनी तो नहीं सुनी नहीं। क्या तो सुपिरटी की शिक्षाओं में आप यह भी लिख लीजिए कि कोई बात पर हमारा ध्यान नहीं था तो नहीं था इंसान का ध्यान भटकता है उसमें क्या है आई वॉन्टेड टू स्पीक दैट्स आई एम स्पीकिंग बट ही हैव टू लिसन ऑल द टाइम देयर ही हैज राइट टू गो एल्स इन सम अदर क्वांटम वर्ल्ड एंड देन ही विल कम बैक वेन एवर यू टू तो इफ आई वॉन्ट टू स्टार्ट द स्टोरी अगेन एंड वॉन्ट टू कंटिन्यू देन देन आई विल चलिए 300 का डायलॉग का अभ्यास करते हैं मस्त यार लाइफ मस्त चीज निकल कर आएगी ना अभी भी मेरे को आइडियाज आते रहते हैं थोड़ा बहुत लिखकर गया ना मैं तो इतनी चीजें मेरे पास ज्ञान पहनने के लिए इतनी चीज सिखाने के लिए साहब पूरे दिन क्लास लगी रहेगी और पूरे दिन सबको बोलता रहूंगा एक एक को पैसा भेजने के लिए <laughs> पूरा दिन भर में वीर हो जाऊंगा मैं फिर ओंकार से ये बड़ा ओंकार नाथ बन जाऊंगा ओंकारनाथ कौन है ओंकारनाथ तो ओंकार नाथ जानते हो ओ... गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकार नाथ शास्त्री <laughs> तो वो आपको पता होना चाहिए ये क्या है ये छोटे छोटे टेक्निक्स हैं बातचीत के अंदर एकदम तो तेज बनने वाली बंदों को लपेटने वाली आकर्षण पैदा करने वाली आपकी शैली में ऐसे छोटे छोटे चुटकोले और लैंग्वेज आपको लैंग्वेज के आपको ऐसे किससे पता होने चाहिए <laughs> और ये से से आते? फिल्में देखने श्री राम ठाकुर माई पापा ड्रिंक्स एवरी इवनिंग ही इन इज अगेंस्ट माई आइडिया गुड थिंग हर्ड इज वर्थलेस फ्रॉम इज कंजर्वेटिव थॉट अभी यार अंदर से आ नहीं रहा इस क्वेश्चन का आंसर देना और मेरा तो दूसरे क्वेश्चन का अंदर से भी नहीं आ रहा आंसर देना तो हमको क्या करना चाहिए हमको रिलैक्स करना चाहिए गहरी सांस लेके पेट भर के